से आ गया एग्जाम सर, काफ़ी आसान था, मतलब इतना टफ नहीं कह सकते, ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे थे। तो सबसे अगर ओवरऑल बात करूं तो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? डिफिकल्टी ओवरऑल मॉडरेट था, जैसा जेई का बैलेंस पेपर होता है वैसे ही था। कौन सा सेक्शन आपको लगा कि आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर टाइम लगा? टाइम लेंथी सबसे ज़्यादा मैथ्स थी, फिजिक्स तो आसान थी काफ़ी, और केमिस्ट्री थोड़ी ना ज़्यादा, मतलब एनसीईआरटी से, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी लाइन से निकाल के क्वेश्चन डाले थे एनसीईआरटी से। ओके ओके। सो आकाश के टेस्ट एंड मॉड्यूल्स वगैरह आपको किस तरह से हेल्प किया आकाश ने सिस्टम ने? वो तो काफ़ी, मतलब हमारी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी आकाश के टेस्ट की वजह से, कई क्वेश्चन तो आकाश के टेस्ट में रिपीट हुए, वो भी आ गए थे, और उस टाइप के उस बेसिस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए, कई क्वेश्चन देख के पता लग रहा था कि ये मॉड्यूल्स हैं, मतलब ऐसा हमें पता लग रहा था। जैसे आकाश में AIETS होता है, आकाश ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो उसके हिसाब से बताइए कि कैसा आपको फीडबैक देना है? AIETS तो थोड़ा ना मतलब इससे ऊपर के लेवल का होता है, लेकिन उसकी वजह से शायद मतलब टफ क्वेश्चन करने की आदत पड़ी है तो आसान जल्दी हो जाते हैं। आप ओवरऑल JEE मेन 2021 में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 200 प्लस तो आ जाने चाहिए, ऊपर से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अदर JEE एस्पायरेंट्स जैसे अभी नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, एडवाइस आपके हिसाब से? नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि थोड़ा बस काम रहें, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर ड्यूएबल होते हैं, बस बंदा पैनिक ना हो। और जो अगले साल वाले हैं उनके लिए तो कहूँगा कि सिर्फ NCERT फॉलो करें और कास्ट के टेस्ट वगैरह देते रहें, बस रेगुलर टेस्ट ना मिस करें। सो प्रतीक, हमारी यानी आकाश टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट विशेज है, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।